धोरीमीना अस्पताल में कार्मिकों की मनमर्जी के कारण परेशान कमठा मजदूर पहुंचा कलेक्टर से गुहार लगाने। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी उमेश बैराणी, आप जुड़े हैं राजस्थान राइज फेसबुक और यूट्यूब चैनल से। साथियों, ये खबर मैं आपको सुनाऊं, इस खबर को सुनने के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो पर, इस खबर पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल 25 तारीख को रमेश कुमार की पत्नी विमला की डिलीवरी होनी थी और 25 की रात को वो धोरीमीना अस्पताल अपनी पत्नी को लेकर पहुंचा, जहां पर डिलीवरी करवानी थी। रमेश कुमार का कहना है कि जैसे तैसे करके मैंने 3-4 आवाज़ लगाई और डॉक्टरों को वहां से उठाया, तो डॉक्टरों ने उठते ही सबसे पहले तो मेरे को कहा कि तेरे बाप का अस्पताल है क्या, आए नहीं और नींद से जगा दिया। उसके बाद में वहाँ पर तैनात कार्मिक सत्यपाल, जिसका नाम सत्यपाल है, मेल नर्स कार्मिक है सत्यपाल, और सत्यपाल ने रमेश कुमार से कहा कि डिलीवरी के 3,000 रुपये लगेंगे। रमेश कुमार ने कहा, सर मैं कमठा मजदूर हूँ, कहाँ से लाऊँ 3,000 रुपये, ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ पे तो सब कुछ फ्री होता है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं 3,000 रुपये लूँगा, अगर तेरे को डिलीवरी करवानी हो तो करवा, नहीं तो वापस चला जा, हमें नींद लेने दे। इसी मामले को लेकर आज रमेश कुमार ने कहा कि किसी और के साथ ऐसा ना हो, किसी गरीब के साथ ऐसा ना हो, चलो मैंने तो, मेरे से 3,000 रुपये मांगे, लेकिन 1,500 रुपये में मैंने 1,500 रुपये तो मेरे से ले लिए, लेकिन किसी और गरीब आदमी से पैसे इस तरह से लेना बिल्कुल, किस तरह से जो सरकार है अच्छी योजनाएं निकाल रही है, सरकार की योजनाएं बहुत शानदार है, फ्री में इलाज हो रहा है। मुझे भी लगा था कि मेरे पत्नी का जो डिलीवरी है वो फ्री में हो जाएगी, लेकिन यहाँ डॉक्टरों की मनमानी के कारण मुझे कहीं उधार से लाकर 1,500 रुपये डॉक्टरों को देने पड़े। रमेश कुमार का कहना है कि मैंने मेल नर्सेज सत्यपाल को कहा था कि मैं आपकी शिकायत मंत्री जी से करूँगा, के विष्णु साहब से करूँगा, तो मेल नर्सेज सत्यपाल का कहना है जा तू मंत्री जी से शिकायत कर लेना और पैसे भी ले लेना। अब इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाने पहुंचे रमेश कुमार का क्या कहना है, जरा आप आगे इस वीडियो में सुनिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। हालांकि बाड़मेर जिले के कई गाँवों में ऐसे अस्पताल है जहाँ पर डॉक्टरों द्वारा, मेल नर्सेज द्वारा पैसे लिए जा रहे हैं, कोई शिकायत कर लेता है तो कोई दबी जुबान से अंदर ही अंदर चुपचाप बैठ जाता है। हालांकि रमेश कुमार का कहना है कि मैं कमठा मजदूर हूं, मैंने तो कहीं से ला के दे दिया, लेकिन किसी और के साथ ऐसा न हो, इसलिए मैंने कलेक्टर को शिकायत की है। राजस्थान राइज से मैं आपका साथी उमेश बैराणी, आगे की खबर के लिए दीजिए इजाज़त, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। डिलीवरी का केस है, मेरा नाम है रमेश, रामसर तहसील हमारी, हम डिलीवरी कराने गए थे धोरीमीना, उसके बाद में डिलीवरी हुई 25 तारीख के मंगलवार, मेरे को पैसे वहाँ से ले डॉक्टर ने 1,500 रुपये, ठीक है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, वहाँ आके मजदूरी करके ले आता हूँ दिन को। कौन से डॉक्टर ने? डॉक्टर तो सत्यपाल नाम है उसका, नाइट में लगता है कोई, दिन में नहीं, नाइट में डिलीवरी हुई थी, ये नाम है। तो फिर कहाँ से ला के दिया आपने पैसे, क्या काम करते हो? काम तो करते हैं साहब, तगारी पावड़े की, जो काम तो करता नहीं, और खेती काम करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये काम करते हैं। कहाँ से लाके दिया आपने पैसे? पैसे कोई उधार से लिया है साहब, पैसे ब्याज में लेते हैं, कहीं उधार लेते हैं, ऐसे कोई आप जैसे भाई थे उसके उधार लिए थे हमने, उसको दे दिए, अभी तो उसका पैसा हमें लौटाना पड़ेगा, ये बात है। कलेक्टर साहब के पास पहुँचे हो? अभी तो कलेक्टर के पास पहुँचा हूँ, अर्जी जमाने के क्या करते हैं, क्या कार्रवाई होती है, क्या नहीं है, देखते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे। हाँ, आपने कहा नहीं सरकारी अस्पताल है यहाँ पे? मैंने क्या था, बोला था कि हम तो पैसे लेते हैं, पैसे डाल दवाई करते नहीं हैं, हाँ तेरे दवाई नहीं करें यहाँ से, तो प्राइवेट हॉस्पिटल चला जा, गए ना साथे चला जा, तो ये बोलते हैं। तो वो क्या था, आप कह रहे थे के साहब को कॉल कर रहा हूँ मैं, मंत्री जी को कॉल कर रहा हूँ, वो क्या था? हुए तो मैंने बोला मैं के साहब को फ़ोन कर दूंगा, तो के साहब फ़ोन कर दे मेरे को पैसे वापस तेरे को लौटा ही देंगे, और क्या कर दूँगा तुम, और तो कुछ नहीं होना है, तो मेरे को ठीक देखे हो जाएगी, और क्या करूँ यार। और कुछ पैसे वगैरह लिया आपसे? मेरे से रुपये 3,000 मांगे थे, मैंने रुपये नहीं ले 1,500, और कुछ नहीं दिए, ये बात है। और वहाँ पे जो लोग आते हैं उनसे भी पैसे वैसे? ओ हर भी आते हैं, उसको पैसे लेते हैं, इलाज करते हैं, पैसे नहीं लेते हैं उसको आगे भेज देते हैं, का प्राइवेट हॉस्पिटल का तो आगे भेज देते हैं, उधर डिलीवर नहीं कराते हैं।
आपके सामने कितने केस हुए हैं? आपके सामने इतने केस हुए, कितने केस हुए? यहाँ तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा हुए, मैं इतना मेरे को मालूम नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? अब तो मैं ऐसे चाहता हूँ मेरे को न्याय मिलना चाहिए। इसके बाद क्या न्याय मिलना चाहिए? कैसे भाई, गरीब के साथ के ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? सरकारी हॉस्पिटल में पैसे नहीं लेना चाहिए, ऐसे कहना चाहता हूँ मैं। अब आपका आईडीएम या कलेक्टर से मिले क्या, कहा आपको क्या? अभी तक मिले नहीं, अभी तक मिलना बाकी। अच्छा, ये बात। वो डॉक्टर अब आपको क्या कह रहे हैं? वापस आपके पास कॉल आ रही है? आपने कहा मेरे पास वापस कॉल आ रही है। अभी तक वापस नहीं कॉल आया है, पहले तो आया था, बाद में नहीं आ रही है अभी। हाँ, वो कहता है कि जिम्मा दे ले रहा, मैं कहा अभी नहीं। हाँ, उनको पता है आप एडीएम में कलेक्टर साहब से मिले? हाँ, उसको पता है, उसको सब पता है। अभी वो दवाखाना छोड़ के घर पे चला गया है, छुट्टी पे गिरा है, दवाखाना में नहीं है। ये बात है।